हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग नोट सिंह। हम कॉलम एंड स्ट्रट के बारे में बात कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा एंड कंडीशन फॉर लॉन्ग कॉलम्स। ठीक है, लॉन्ग कॉलम क्या होता है, शॉर्ट कॉलम क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है, कॉलम क्या होता है हमने पढ़ा, एंड कंडीशन की साइन कन्वेंशंस पढ़े, और हम मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है और बेंडिंग मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है वो देखा। इस लेक्चर में हम देखेंगे एंड कंडीशन, जो हमारे फोर एंड कंडीशन है, उसके डिफ्लेक्शन उसमें कितना हो रहा है, कहाँ कैसे हो रहा है, एंड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। और हमने फर्स्ट लेक्चर में एसेप्शन ऑफ यूलर्स थ्योरी भी पढ़ा था, कॉलम थ्योरी। ठीक है, इसमें हम एंड कंडीशन पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे लिमिटेशन क्या थे एंड यूलर्स कॉलम थ्योरी के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन बोथ एंड ऑफ कॉलम आर हिंज्ड, ये हमारा एंड कंडीशन, फर्स्ट एंड कंडीशन है, इसमें है बोथ एंड ऑफ कॉलम आर हिंज्ड हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कैसे हमारा बोथ एंड हिंज्ड है। लेट ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये हमारा सेकंड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया हमारा बीम। ठीक है, एक्चुअली स्टेट होना चाहिए ये स्टेट बीम। ठीक है, इस पे आपने लोड लगाया, दैट इज कॉम्प्रेसिव लोड दोनों तरफ से। ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट बी। तो जब आप हिंज्ड हिंज्ड हैं, आपका कॉलम जब हिंज्ड है, आप दोनों तरफ से आप कॉम्प्रेसिव लोड लगा रहे हो, तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो कुछ इस तरह, आपका डिफ्लेक्शन जो होगा इस तरह होगा। ठीक है, ए बी, और डेट ये हो गया इसका टोटल लेंथ, जो था कॉलम का टोटल लेंथ हम एल मान लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या मानते हैं कि एट एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे मीन्स ए से एक्स डिस्टेंस पे हमारा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है। डेट इज़ हम उससे मान रहे हैं हमारा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है एक्स डिस्टेंस पे ए से वो वाई हो रहा है। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करते हैं। क्या किया मैंने, सबसे पहले एक कॉलम लिया जिसका लेंथ एल है, उस पर कॉम्प्रेसिव लोड लगाया एट ए सेक्शन और बी सेक्शन बोथ। तो जब हमने कॉम्प्रेसिव लोड ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो बीम, जो मींस बार होगा, मेंबर होगा, वो इस तरह का डिफ्लेक्शन एंगल बनाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि एट एक्स डिस्टेंस, फ्रॉम ए से एक्स डिस्टेंस पे हमारा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो वाई हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे डिफ्लेक्शन ऑफ सेक्शन क्या है। तो कंसिडर डेट इज y जो हमारा है वो होगा डिफ्लेक्शन एट द सेक्शन। y क्या है हमारा, डिफ्लेक्शन बता रहा है। ठीक है, y हमारा क्या बता रहा है, डिफ्लेक्शन। नेक्स्ट द मूवमेंट, इफ ये लगा हमारा बीम जो है, हमारा मींस जो बार है वो डिफ्लेक्ट हुआ अपने मेन पोजीशन से, दोनों तरफ कॉम्प्रेसिव लोड लगा है, तो वहाँ पे कुछ मूवमेंट हुए होंगे, तो हमारे मूवमेंट क्या होंगे, तो हम बता द मूवमेंट ड्यू टू द क्रिपलिंग लोड, दैट इज अ क्रिपलिंग लोड। ओके, क्रिपलिंग लोड एट द सेक्शन गिवन बाय क्या हो जाएगा, फोर्स मीन्स कौन सा फोर्स लग रहा, लोड लग रहा है हमारा, क्रिपलिंग लोड दैट इज द पी लोड इनटू आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आएगा एक मेन पार्ट, माइनस। कैसे हुआ माइनस, हमने इसे पहले बात किया था, जब हमारा बीम पे लोड लगाएंगे ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, कर्व कॉनकेव सरफेस बना रहा है, मीन्स ऐसा डिफ्लेक्शन हो रहा है, तब हम लेंगे नेगेटिव, और जब हमारा बीम बाहर की ओर डिफ्लेक्ट होगा उसे लेंगे पॉजिटिव। ओके, ठीक है, ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन। अब दूसरा, बट हम जानते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ डिफ्लेक्शन मीन्स बेंडिंग क्या हुआ हमारा, बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा हमारा, m इज इक्वल टू ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हमें पता है, इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन,
इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशन, ठीक है, वन ये वन इक्वेशन और ये हमारा है टू इक्वेशन, दोनों को आप इक्वेट कर दो, ठीक है, मोमेंट है ये m, ये भी m, दैट इज ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू पी इंटू वाई, ओके, आप इसे इधर ले आओ, ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, और आपको एक इक्वेशन इसे सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसा कर देते हैं, कर सकते हैं, ई आई से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये हमारा वन हो गया यहाँ पे, और पी वाई अपॉन ई आई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये जो हमारा इक्वेशन बना है डिफरेंशियल इक्वेशन बना है, या अगर आपने एम टू में पढ़ा होगा डिफरेंशियल, जब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा होता है, मीन्स आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एक्स या अल्फ़ा वाई या पी अल्फ़ा वाई इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में हो, तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो क्या होता है, हमारा सोल्यूशन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है, ऐसा इक्वेशन जब हमारा हो डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टर्म में हो, पी अपॉन आई या फिर अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा जब होगा, तब हमारा अल्फा स्क्वायर क्या होता है, पी यहाँ इस इक्वेशन के थ्रू पी अपॉन ई आई होगा, जब अल्फा इज इक्वल टू रूट अपॉन पी ई आई हो जाएगा, तो द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन जो होता है हमारा क्या हो जाएगा, सी वन कॉस अल्फा एक्स प्लस सी टू साइन अल्फा एक्स, देयरफॉर हमने उसे लिखा, इसलिए तो द सोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ एवव डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाई इज इक्वल टू सी वन कॉस अल्फा एक्स मीन्स पी अल्फा क्या होता हो गया था हमारा रूट दैट इज पी अपॉन ई आई, ठीक है, प्लस सी टू साइन एक्स पी अपॉन ई आई, ये हमारा हो गया वाई डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हमारा बन गया, ठीक है, वेयर सी वन और सी टू क्या है, सी वन सी टू हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ओके, नाउ अब हम आगे बात करते हैं क्या करना है, अब आगे एट ए पॉइंट, ठीक है, पहला एट पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे, ठीक है, पॉइंट ए पे हमारा क्या है, ये पॉइंट ए पे हमारा एक्स भी जीरो है वाई भी जीरो है, मींस ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई और ये ओ हो गया, इस पॉइंट पे हमारा ए है, तो यहाँ क्या है, एक्स हमारा जीरो वाई भी हमारा जीरो, देयरफॉर एट पॉइंट ए एक्स जीरो और वाई भी हमारा जीरो है, आप इस इक्वेशन में पुट करके अपना इक्वेशन बनाओ, तो क्या हो जाएगा, वाई जीरो इज इक्वल टू सी वन कॉस एक्स डेट इज हमने जीरो माना जीरो पी अपॉन ई आई प्लस सी टू साइन जीरो पी अपॉन ई आई रूट पी अपॉन ई आई, क्या हो जाएगा हमारा, जीरो इज इक्वल टू ये जीरो है सी वन कॉस जीरो प्लस सी टू साइन जीरो, ओके, साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है, देयरफॉर हमारा सी वन जो होगा वो हो जाएगा जीरो, ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, डेट इज थर्ड इक्वेशन, ओके, अब क्या करना है, एट पॉइंट बी, अब हम बात करेंगे बी पॉइंट पे, बी पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, एक्स तो हमारा एल हो जाएगा, एल है ना, एक्स हमारा एल होगा, लेकिन वाई जो है हमारा तो जीरो है ना, मीन्स हमारा वाई तो जीरो ही पे है, लेकिन एक्स हमारा कितना हो जाएगा, एल, ओके, तो एट B पॉइंट x इज इक्वल टू एल एंड y इज इक्वल टू जीरो, ओके, x l और y जीरो, एक्चुअली हमने इसमें बीम ऐसे दिखाया है, एक्चुअली बीम हमारा ऐसे, अगर लेट हम थ्योरी पढ़ते हैं, हमने बीम ऐसे रखा है, x डायरेक्शन और डेट इज y डायरेक्शन, तो x हमारा कितना यहाँ पे हमने ऐसे रखा था बीम, ये हमारा l डायरेक्शन है, यहाँ एल डायरेक्शन ऐसे बीम हमने ऐसे रख के किया था, लेकिन जब थ्योरिटिकल हमने ऐसे रख के हम करते हैं, देयरफॉर ये एक्स हमारा क्या है एल और वाई क्या हो जाएगा हमारा
जीरो। ओके तो स्टार्ट करते हैं, हम x इक्वल टू एल और y इक्वल टू जीरो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, ये y वाले इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो वाई जीरो सी वन कॉस x की जगह l रख दीजिए p अपॉन ई आई। ओके चूंकि c1 इज इक्वल टू जीरो, हमने यहाँ पे अभी प्रूफ किया c1 जीरो है, तो हम यहाँ जहाँ c1 है वहाँ जीरो पुट करें, c1 जीरो पुट करेंगे तो ये होल टर्म जो है आपका जीरो हो जाएगा, प्लस बचेगा क्या हमारा c2 टू साइन एल पी अपॉन ई आई, ये हमारा बचा, ठीक है। डेट इज जीरो इज इक्वल टू c2 टू साइन एल पी अपॉन ई आई, ये हमारा होगा। ओके तो इस क्वेश्चन के थ्रू अगर आप देखोगे C2 को यहाँ रखो, इसे इधर भेज दो, तो C2 हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहला फर्स्ट थिंग कि हमारा C2 जीरो हो जाएगा। दूसरा क्या हो सकता है, हमारा साइन जो है एल पी अपॉन ई आई जो है रूट पी अपॉन ई आई वो हमारा जीरो हो सकता है, ठीक है। पहले C2 जीरो हो सकता है और साइन एल पी अपॉन रूट ई आई जीरो हो सकता है, लेकिन फॉर ये कंडीशन के लिए जो बेंडिंग मूवमेंट ऑफ कॉलम विल जीरो और द कॉलम विल नॉट बेंड एट ऑल विच इज नॉट ट्रू, मीन्स क्या होगा, मीन्स अगर आप C2 जीरो हैं, आपने C1 जीरो लिया और C2 भी जीरो आया, तो जो आपका फर्स्ट इक्वेशन बना था जो डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हमारा आया था ये वाला वाई, तो आपने C1 को भी जीरो रख देंगे, आप C2 को भी जीरो रख देंगे जो हमारा वाई वाला इक्वेशन था उसमें, तो आपका जो वाई हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। मीन्स ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, आपने फोर्स लगाया और आपका जो बीम है उसमें कोई डिफ्लेक्शन हो ही ना, ठीक है। देयर फॉर डिफ्लेक्शन जीरो हो ही नहीं सकता, इसलिए हम C2 जीरो को निग्लेक्ट कर देंगे और साइन एल रूट पी अपॉन ई आई को हम कंसिडर करेंगे। ओके कंसिडर करें, डेट इज जीरो। साइन जीरो कब होता है, कब हो साइन जीरो कब होगा, मीन्स ये वैल्यू टोटल जीरो कब कब होगी, जब हमारा साइन की वैल्यू जीरो होगी, मीन्स जब साइन की वैल्यू जीरो होगी, साइन की वैल्यू पाई होगी, साइन की वैल्यू टू पाई होगी, ऐसे पूरा, ठीक है, तो तब जीरो होता है। देयर फोर एल पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू जीरो पाई 2π, 3π, ऐसे होगा। मीन्स अगर आपने साइन जीरो यहाँ लिखा तो साइन ये साइन कट जाएगा, बचेगा क्या जीरो, पाई साइन पाई आपने यहाँ रखा, साइन से साइन कट गया, बचा क्या पाई। मीन्स साइन जीरो साइन पाई और साइन 2π साइन 3π पे हमारा जो ये वैल्यू यहाँ पे जीरो आएगा, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन आया, तो टेक लिस्ट काउंट, ठीक है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, टेकिंग लिस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू, टेकिंग लिस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू, डेट इज क्या है अपना, देयर फॉर एल पी अपॉन ई आई को हम पाई ले लेते हैं, डेट इज सबसे कम वैल्यू कौन सी है इसकी, पाई है, तो हम पाई लेट कर रहे हैं। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू पाई अपॉन एल, ठीक है, और रूट हटेगा दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देंगे तो ये पी अपॉन ई आई हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। ओके देयरफॉर जो हमारा जो क्रिपलिंग लोड होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या हुआ, डेट इज एल, क्या हुआ इफेक्टिव लेंथ एल, एल ई हमारा एल ई होगा, यहाँ पे जो लेंथ होगा वो हमारा एल होगा। ओके अब हम सेकेंड एंड कंडीशन की ओर चलते हैं, सेकेंड एंड कंडीशन हमारा क्या है, ओके सेकेंड एंड कंडीशन हमारा है वन एंड ऑफ द कॉलम इज फिक्स एंड अदर एंड इज फ्री, मीन्स वन एंड हमारा फिक्स है, ठीक है, अदर एंड हमारा फ्री है। तो आप मान लो ये आपका कॉलम हुआ, एक एंड हमने पकड़ रखा है, ये फिक्स है, जब आप यहाँ लोड लगाओगे तो ये नॉर्मल है, पहले इसकी तरह ये हमारा बी पोजिशन है और ये हमारा ए पोजिशन, ये हमारा ए पोजिशन, ये हमारा बी पोजिशन, जब आप इस पर क्रिपलिंग लोड लगाओगे कॉम्प्रेसिव लोड लगाओगे तो ये इस और ऐसे ऐसे कम ऐसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे जो डिफ्लेक्ट होगा ये हमारा बी डैश पॉइंट हो गया, बी डैश पॉइंट हो गया। ओके और कितना हमारा डिफ्लेक्शन हुआ ए, ठीक है, तो हमने कॉलम का लेंथ एल लिया, एक एंड फिक्स किया अदर एंड फ्री, जब हमने कॉम्प्रेसिव लोड लगाया क्रिपलिंग लोड लगाया तो क्या होगा हमारा, वो डिफ्लेक्ट होगा एट ए,
ए डिस्टेंस से ये डिफ्लेक्ट, ए डिस्टेंस पे हमारा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ बी डैश पे हो जाएगा। तो हमने मान रहे कि हमने अगर पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे हमारा डिफ्लेक्शन क्या हुआ, दैट इज़ हमने माना कि वाई हुआ, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ओके क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्री एंड जो है वो आपका साइड वे स्वे हो रहा है, साइड वे व्हेन द लोड अप्लाइड एट फ्री एंड एंड कर्वेचर से बना रहा है हमारा। तो कंसीडर अ सेक्शन डिस्टेंस एक्स पे, कंसीडर अ सेक्शन डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फिक्स एंड ए से, हमने एक्स डिस्टेंस कंसीडर कर रहा है। वाई क्या है हमारा, दैट इज डिफ्लेक्शन एट द सेक्शन, हमने सेक्शन क्या लिया एट एक्स सेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए से, ओके। ए क्या है हमारा, ये जो ए क्या है यहाँ पे, ए है हमारा डिफ्लेक्शन एट द फ्री एंड बी, ओके डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड बी हमारा ए है। तो हमारा जो मूवमेंट होगा इसमें, द मूवमेंट एट द सेक्शन ड्यू टू क्रिपलिंग लोड क्या होगा हमारा, क्या होगा हमारा, द मूवमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड इज गिवन बाय, जो मूवमेंट होगा क्रिपलिंग लोड के, जो लोड के थ्रू जो लोड लगा है उसके थ्रू जो हमारा मूवमेंट होगा वो होगा हमारा मूवमेंट इज इक्वल टू पी हमारा जो लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज हमारा लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, ये टोटल ए है, ए डिफ्लेक्शन हुआ और हमने एक्स कंसिडर किया एक्स क्या बोलते हैं डिस्टेंस पे, तो हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस वाई, ए माइनस वाई। और ये बीम हमारा कैसा इस शेप में, कर्वेचर बाहर की ओर ये डिफ्लेक्शन हो रहा, देयर फॉर ये पॉजिटिव डिफ्लेक्शन हो रहा हमारा, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका, हम ये भी जानते हैं बट मोमेंट जो हमारा होता है ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, हम ये भी जानते हैं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशन को आप इक्वेट कर दीजिए, हमने क्या किया इक्वेट बोथ इक्वेशन, ये क्वेश्चन यहाँ लिखा, ये क्वेश्चन इज इक्वल टू यहाँ लिखा, दोनों को ओपन किया पी ए माइनस पी वाई, तो पी वाई को मैंने इधर भेज दिया, डेट इज़ ये हमारा हो गया। अब क्या करते हैं, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का ये बनाना है, तो ई वाई से सबको हम डिवाइड कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी अपॉन ई आई वाई इज इक्वल टू पी अपॉन ई आई अपॉन ए, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा बना है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो होगा क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन सेम जो हमारा पहले था, सी वन कॉस एक्स अपॉन पी रूट ई आई प्लस सी टू साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई, और एक टर्म हमारा ऐड हो जाएगा ए, ये हमारा पी आई अपॉन ए है, तो ये हमारा प्लस ए, ये हमारा इसमें एक्स्ट्रा ऐड होगा, ओके ये हमारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड इक्वेशन, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब हम लोग कंडीशन लगाएंगे, एंड कंडीशन लगाएंगे एट पॉइंट ए, बीम के ए पॉइंट पे हमारा क्या है एक्स जीरो है वाई जीरो है, तो एट पॉइंट ए क्या होगा हमारा, एट पॉइंट ए पहला सिस्टम एट पॉइंट ए पे डेट इज एक्स जीरो वाई जीरो, जब आप इस इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू जीरो पुट करोगे और एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे, तो आपका ये जो आएगा इक्वेशन, आपका इक्वेशन आएगा जो इक्वेशन होगा वो होगा जीरो इज इक्वल टू सी वन कॉस जीरो प्लस सी टू साइन जीरो इज इक्वल टू ए, हमने एक्स की वैल्यू जीरो पुट किया वाई की वैल्यू जीरो पुट किया, इससे आपका जो सी वन आएगा कॉस जीरो इज इक्वल टू वन होता है और साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो ये तो कट गया, ये सी वन बचा प्लस ए, देयरफॉर सी वन इज इक्वल टू माइनस ए, हमारा ये यहाँ इतना बचा, ठीक है, दैट इज माय फोर्थ इक्वेशन, ये हमारा हो गया। अब क्या करना एट पॉइंट पे जहाँ एक्स इज इक्वल टू जीरो है वहाँ डिफ्लेक्शन भी जीरो है, आप देखोगे डायग्राम, ये डायग्राम देखोगे तो जो हमारा बीम ए पे है यहाँ डिफ्लेक्शन भी जीरो है और हमारा एक्ट एक्स इजकल टू जीरो पर डिफ्लेक्शन भी जीरो है, तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं एट पॉइंट ए पे एक्स हमारा क्या है जीरो है और डिफ्लेक्शन जो होगा वो भी हमारा जीरो है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन वन, डिफरेंशिएट इक्वेशन थ्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट इक्वेशन थ्री को डिफ्रेंशिएट करेंगे आप
एक्स के टर्म में, तो आपका क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, क्या था आपका इक्वेशन पे, C1 था, C1 को आप वैसे ही लिखोगे एस में, और कॉस एक्स रूट पी अपॉन ई आई का हो जाएगा क्या, माइनस साइन एक्स पी अपॉन ई आई हो जाएगा, और एक्स पी अपॉन ई आई को फिर आप जब करोगे तो ये हमारा हो जाएगा पी अपॉन ई आई। ये हो गया हमारा फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन। नाउ सिमिलरली सेकंड का, C2 ठीक है साइन था तो हमारा हो जाएगा कॉस हो जाएगा कॉस एक्स पी अपॉन ई आई इंटू पी अपॉन ई आई प्लस ए का क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो हमारा जो फाइनल आएगा वो हमारा आएगा फाइनल जो हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा, डेट इज फिफ्थ इक्वेशन हमने माना इसे। नाउ एट एक्स इक्वल टू 0 और डी वाई इक्वल टू 0, जब हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू तो ये तो हमारा 0 हो गया ठीक है, एक्स की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हमारा होल टर्म हो जाएगा पी अपॉन ई आई साइन 0 प्लस C2 पी ई अपॉन आई कॉस 0, पूरी ये वैल्यू 0 हो जाएगी ठीक है। देयरफॉर 0 इज इक्वल टू साइन 0 है आपका, यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू क्या होगी, 0, देयरफॉर ये होल टर्म 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, C2 कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 पी अपॉन ई आई, बचा हमारे पास पी अपॉन ई आई। देयरफॉर जो हमारा C2 की वैल्यू होगी यहाँ पे, C2 हमारा पहला कंडीशन पे 0 हो सकता है और दूसरा पी अपॉन ई आई भी 0 हो सकता है, हो सकता है। बट फॉर क्रिपलिंग लोड, हमारा जो लोड क्या लगा, लोड लगा है हमने यहाँ पे, तो जो हमारा लोड भी लगा है आप देखोगे ध्यान, यहाँ पे हमने क्रिपलिंग लोड लगाया, ऊपर से एक कंप्रेसिव क्रिपलिंग लोड लगाया। देयरफॉर जो हमारा क्रिपलिंग लोड पी है, द वैल्यू ऑफ पी कैन नॉट बी 0। ओके, जो हमारा क्रिपलिंग लोड है कभी भी बिना भाई बीम पे जो लोड लगा रहे हो आप, और लोड लगा रहे हो और बोल रहे हो कि आपका लोड जो है वो 0 है, ऐसा कैसे हो सकता है भैया, और डिफ्लेक्शन भी मिल रहा है, बिना लोड लगाए हमारा बीम डिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है। देखो जो हमारा इक्वेशन पी अपॉन रूट ई आई 0 है ये गलत है, तो हमने इसे यहाँ पे कंसिडर किया कि C2 इज इक्वल टू 0 हमारा सही इक्वेशन होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ C1 माइनस ए जो हमारा फोर्थ इक्वेशन था, और C2 0 जो हमारा अभी जीरो आया ठीक, ये C2 0 इसको आप इक्वेशन 3 में पुट कर दो। क्या था हमारा इक्वेशन 3, हमारा इक्वेशन 3 था वाई इज इक्वल टू C1 कॉस एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस C2 साइन एक्स रूट पी अपॉन ई आई प्लस ए। आपने क्या किया, C1 की जगह माइनस ए पुट किया और C2 की जगह 0। अब जब C2 की जगह 0 पुट करो तो ये होल टर्म 0 हो गया, हमारा क्या बचा, फाइनल आंसर होगा हमारा वाई इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स रूट पी अपॉन ए आई प्लस 0 हो गया प्लस ए हमारा ये इक्वेशन बचा ठीक है। ये देयरफॉर वाई इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स पी अपॉन ई आई प्लस ए, ये हमारा एक इक्वेशन हो गया, ये हो गया हमारा सिक्स्थ इक्वेशन एंड दिस इज फिफ्थ। ओके, ये हमारा हो गया सिक्स्थ इक्वेशन। अब क्या करना है, लेट एट पॉइंट बी, हम बीम के ऊपर वाले पॉइंट बी पे क्या है हमारा एक्स इज इक्वल टू एल और वाई इज इक्वल टू ए होगा। बीम को आप जब ऐसे रखोगे तो एक्स एक्स का डिस्टेंस एल है, पहले तो हमने ऐसे रखा है थ्योरेटिकली ऐसे रख के देखेंगे, एक्स एल और वाई क्या है हमारा बी पे 0, तो सॉरी ए, ए हमारा बीम डिफ्लेक्ट भी तो हुआ है एक एंगल पे हमारे यहाँ से यहाँ, तो ए तो वो हमारा वाई हो गया ए। तो क्या सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 3 ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका पुट करने पे, वाई क्या आपने वाई क्या है ए इज इक्वल टू माइनस ए कॉस एक्स की जगह एल पी अपॉन ई आई प्लस ए, आपका ये हो गया। देयरफॉर आपका हो जाएगा इक्वेशन ए से ए कटा, आपका क्या इक्वेशन हो जाएगा, ए कॉस एल
पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू जीरो, बट ए कैन नॉट बी जीरो। ए आपका जो डिफ्लेक्शन है, आपने एक एंड फिक्स किया है और दूसरा एंड आपका हिंज्ड है और आपका क्रिपलिंग लोड लगा रहे हो, तो आपका बीम डिफ्लेक्ट हो ही ना, ऐसा कैसे हो सकता है? डिफ्लेक्ट हो गया ही, तो ए हमारा जीरो हो ही नहीं सकता। मीन्स ए इज, ये हमारा दो वैल्यू आएगा यहाँ से, पहला तो ए इज इक्वल टू जीरो आएगा और दूसरा आएगा कॉस एल पी अपॉन रूट पी अपॉन ई आई होल रूट पी अपॉन ई आई जीरो। तो हमारा ए जीरो हो ही नहीं सकता, हमारा जो ए है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमारा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप लोड लगा रहे हो, डिफ्लेक्शन हमारा अपर डिफ्लेक्शन जीरो हो ही नहीं सकता, देयरफॉर ए इज इक्वल टू जीरो हमारा गलत इक्वेशन है। हमारा सही क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस एल पी अपॉन ई आई जीरो कब होगा, कॉस 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 थीटा हमारा जीरो कब कब होता है, कब कब होता है, जब कॉस पाई बाई टू हो, ठीक है, कॉस आपका थ्री पाई बाई टू हो, ठीक है, फाइव पाई बाई टू हो, तब हमारा कॉस की वैल्यू ये हमारा जीरो आएगा। देयरफॉर हम लिस्ट वैल्यू टेक करते हैं, टेकिंग लिस्ट वैल्यू कॉस पाई बाई टू को आप सबसे कम है इसे हम ले लेते हैं, तो एल पी अपॉन ई आई इज इक्वल टू पाई अपॉन टू, लिस्ट वैल्यू हमने लिया। देयरफॉर हमारा जो इक्वेशन आएगा, हमारा जो इक्वेशन आएगा, मैं इक्वेशन यहाँ लिख के बता, पी हमारा क्या इक्वेशन आएगा, पी इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन फोर एल स्क्वायर, ये हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा। कैसे आएगा, x पाई बाई टू है, l इधर चल जाएगा तो पाई अपॉन टू एल हो जाएगा, और आप दोनों तरफ स्कोर स्क्वायर कर देंगे तो p और ई आई को ऊपर भेज दीजिए, तो ऐसा हमारा इक्वेशन रहेगा। यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ क्या है, क्या हो सकता है हमारा इफेक्टिव लेंथ, l सिर्फ टू एल हो सकता है, टू एल है तभी तो ये फोर एल स्क्वायर हुआ है भैया, ठीक है, टू एल हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एंड कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, ओके। तो अगला एंड कंडीशन हमारा है, बोथ एंड ऑफ द कॉलम आर फिक्स्ड, ठीक है, और फिर बचेगा हमारा वन एंड आर फिक्स्ड एंड अदर एंड आर आपका हिंज्ड, और लास्ट है स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है और लिमिटेशन ऑफ यूलर्स थ्योरी क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पार्ट थ्री में, ओके। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए प्लीज़, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स, ईजिली आप इससे मार्क्स गेन कर सकते हो, बहुत छोटा यूनिट है ये, तो गुड, जितना हो सके उतना अच्छा कीजिए आप इस चैप्टर में, जितना मार्क्स गेन कर सकते हैं ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।